दोस्तों आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है। अब इसका एग्जिस्टेंस पता कैसे लगाया जाए? भाई आप कंसिडर कर लीजिए, आपके पास दो चार्ज है, ठीक है? आगे पास जैसे दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा जो है समझ लीजिए Q2 है, राइट? अब दोनों के बीच में फोर्स तो लगेगा। अगर मान लीजिए दोनों सेम साइन के हैं तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो है Q2 पे फोर्स लगेगा इस तरफ और Q1 पे फोर्स लगेगा इस तरफ। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? अगर मान लीजिए डिस्टेंस R है तो फोर्स का जो वैल्यू है वो K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, राइट? यहां पे भी उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स है। अब आप ये देखेगा कि ये जो फोर्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ Q1 एंड Q2, मतलब ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए यहां पे Q2 एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या Q1 की वजह से यहां पे कोई चेंज है? मान लीजिए कि चेंज एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका रहने या ना रहने से इस जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे Q2 अगर लगा दूं तो इसकी वजह से कोई फर्क नहीं आना चाहिए था, बट फर्क आ रहा है इसकी वजह से। इसका मतलब है कि यहां पर इसकी वजह से कुछ तो बदलाव हो रहा है, राइट? और वो बदलाव का इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहां पे Q2 है या नहीं है, राइट? तो वो बदलाव एक्चुअली कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से अगर मान लीजिए दो मासेस हैं, इस मास का यहां पे ग्रेविटेशन फील्ड होगा, उसी तरह से दोस्त इस चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फाइन? अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज का फंक्शन होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शुड बी अ फंक्शन ऑफ ओनली दिस चार्ज, ओके, एंड शुड बी अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। कितना दूर जा रहे हैं आप उससे भी फर्क पड़ता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, राइट? तो मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो इसका फंक्शन है और डिस्टेंस का भी फंक्शन है, राइट? और एक और चीज, वो जो फंक्शन है, अगर चार्ज इंक्रीज करूं तो इंक्रीज होना चाहिए और डिस्टेंस अगर इंक्रीज करूं तो डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है? तो मैं कोई भी फंक्शन ले सकता हूं इन दो सिनेरियो को सेटिस्फाई करता हुआ, बट मेरे पास एक फंक्शन ऑलरेडी है जो कि इन दो चार्जों का फंक्शन है। वो क्या है? यहां पर मैं Q2 लिख देता हूं, वो फंक्शन है फोर्स का, राइट? कूलम्स लॉ ने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि जो फोर्स है वो Q1 Q2 / R² है, राइट? अगर मेरे पास ऑलरेडी फंक्शन है तो मैं क्या इससे डिराइव कर सकता हूं एक फंक्शन जो कि सिर्फ Q1 और R का है? बिल्कुल, आप जो है फोर्स को Q2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप फोर्स को Q2 से डिवाइड कर देंगे दोस्त, तो आपके पास एक फंक्शन आएगा ये, जो कि सिर्फ Q1 का फंक्शन है, राइट? तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यही फंक्शन डायरेक्टली यूज कर लेता हूं और इसको बोलूंगा कि ये जो है सिंस इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली Q1 एंड डिस्टेंस, ये है अफेक्ट इसकी वजह से यहां पे, ठीक है? और मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग फॉरवर्ड हम लेटर कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके? तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से डिफाइन की गई है, ये एक वेक्टर है। कहने का मतलब है कि फोर्स तो एक वेक्टर है डिवाइडेड बाय एक स्केलर क्वांटिटी चार्ज, तो यहां पे भी एक वेक्टर आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं एक पॉइंट चार्ज का, फाइन? अब इसमें जो दिक्कतें आती हैं वो ये हैं। प्रैक्टिकली अगर आप करने जाएंगे ये चीज और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताता हूं किस किस तरह की आपको दिक्कतें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, राइट? तो मैं एक टेस्ट चार्ज लूंगा। ये Q2 एक टेस्ट चार्ज है। मुझे टेस्ट चार्ज क्यों चाहिए? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, मुझे तो फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा पहले और फिर उसको डिवाइड बाई चार्ज करूंगा, है कि नहीं? तो मैं Q2 को Q1 के अराउंड मूव करूंगा, फोर्स निकालूंगा हर पॉइंट पे और डिवाइड बाई चार्ज कर दूंगा और उसका उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फोर्स डिवाइड बाई चार्ज से, राइट? तो अब मैं Q2 को लेता हूं और मूव करता हूं Q1 के अराउंड, तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी? Q2 अगर बड़ा है तो Q1 अपनी जगह से मूव कर जाएगा
और Q1 मूव कर गया तो आपकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ही चेंज हो गई, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो है आपने मतलब एक्सपेरिमेंटली Q1 का फील्ड निकाला है. Q1 शुड बी अनचेंज, वहीं का वहीं रखा रहना चाहिए अनपर्टर्ब्ड, राइट. तो Q2 आपका बहुत छोटा होना चाहिए, तो जो टेस्ट चार्ज है इट शुड बी वेरी लेस. और अगर Q2 बड़ा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंटरफेयर करने लगेगा, मतलब इसकी खुद की भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरफेयर करेगा. तो इसीलिए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग Q2 को बहुत छोटा रखते हैं, राइट. तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखने जाएंगे तो दिस विल मेक मोर सेंस व्हेन लिमिट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट गोज टू जीरो. इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज आप निकाल सकते हैं, राइट. तो एक्सपेरिमेंटली आप ये ध्यान रखिएगा कि जो चार्ज है वो बहुत छोटा होना चाहिए. ओके तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर. अगर मुझे क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस आर, तो मैं इस तरह से निकाल लूंगा. और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज होगी. मतलब कि मैंने इस तरह से लिखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज वेयर लिमिट क्यू टेंस टू जीरो, इस तरह से मैंने लिखा था. तो ये टेस्ट चार्ज है, सॉरी. तो अगर ये चार्ज क्यू है और मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे और यहां क्यू टू लगा हुआ है, तो फोर्स डिवाइड बाई चार्ज होगा भाई, राइट. लेकिन अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां हो गया, इस तरफ. आई वाज समझ में. अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज नेगेटिव है दोस्त, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि क्यू तो ग्रेटर देन जीरो है. अगर मैं बोल दूं Q2 लेस देन जीरो तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को. लेकिन जब आप फोर्स को चार्ज से डिवाइड करेंगे तो आप नेगेटिव नंबर से डिफाइन उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है. तो आपका नेट नेट अगेन इस डायरेक्शन में आ जाता है, राइट. तो अगर मैं इसको फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैं ये बोलूंगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन इन विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल फील द फोर्स, ठीक है. तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, तो आप एक पॉजिटिव चार्ज लीजिए, उस पॉइंट पर रखिए, जिस डायरेक्शन में उसका फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है. चलिए अब हम बनाते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. विजुलाइजेशन यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती तो है नहीं, तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा एज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. क्लास 11th में होता क्या है कि सब चीज विजिबल होती है या सब चीज आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं. अगर मैं एक स्प्रिंग लगा दूं या कहीं पे मास इंक्लाइन प्लेन पे रख दूं, तो वो सब आप जो है लाइफ लॉन्ग आपने देखे होते हैं, तो आप उसको विजुलाइज कर जाते हैं. बट क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द करंट्स, ये सब आपको दिखेगा नहीं. तो इसलिए यहां पे विजुलाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है, राइट. तो चलिए अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज. ओके तो ये ले लीजिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लीजिए प्लस क्यू है, ठीक है. अब मुझे बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लूंगा और मूव करूंगा इसके अराउंड, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो डायरेक्शन है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है कि नहीं. तो मैं पॉजिटिव चार्ज अगर यहां रखूं तो किस डायरेक्शन में फील्ड होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसी है रेडियली, तो ऐसे ऐसे इस पे फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड, राइट. तो जहां जहां मैं रखते जाऊंगा टेस्ट चार्ज, वहां वहां पे मेरी जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऐसा होगा. तो ये मेरी फील्ड लाइन्स है इस तरह से, ये आप बना लीजिए अपने नोटबुक पे. तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस. अब ये आपको दिख तो रही होंगी 2D पे, क्योंकि मैं 2D बोर्ड पे 3D तो बना नहीं सकता हूं. तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो फील्ड लाइंस है एक स्फेरिकली आउटवर्ड्स ऐसे आ रही हैं, स्फेरिकल सिमेट्री है, मतलब पूरे का आप अगर ऐसे स्फीयर कंसीडर कर लें चार्ज के अराउंड, तो ऐसे रेडियली वहां से फील्ड निकली हुई है,
आ रही बात समझ में? तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, ठीक है, तो जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो तो हेड से पता लग गया, राइट। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता लगता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लगता है उसकी लेंथ से, राइट। तो क्या आप मैग्नीट्यूड यहां पर दर्शा सकते हैं? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे से आप दूर जाते जाएंगे चेंज होती जाएगी, तो हर पॉइंट का मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो आप कितने वेक्टर बनाएंगे? अगर आप बनाने जाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप यहां पे हेड्स बनाते चले जाएंगे इस तरह से, राइट। तो ऐसे खूब सारे हेड्स आपको दिखेंगे, फिर आपको ये नहीं पता लगेगा कि किसका हेड कौन सा टेल का है, तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है दोस्त, वो लेंथ ऑफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि वो आप रिप्रेजेंट करने में पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इससे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लेंथ, फाइन। तो भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मुझे कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी यहां पे जो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड डिक्रीज विद डिस्टेंस, राइट। अब ऐसी कौन सी चीज है जो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रही है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां पे देख लीजिए आप, 3, 3, 6 और 2, 8, तो टोटल 8 फील्ड लाइंस हैं, तो डिस्टेंस के साथ भी 8 ही रहेंगी। लेकिन अगर आप समझ लीजिए इतना बड़ा एरिया बनाते हैं यहां पे, अभी कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है? 3। थोड़ा दूर जाएंगे तो उतना ही बड़ा एरिया बनाएंगे, कितनी पास हो रही है? 2। फिर आप और दूर जाएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही पास हो रही है, ठीक है। हालांकि यहां पे बहुत सारी फील्ड लाइंस है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके ही समझा रहा हूं। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रही है, राइट। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो लिख लीजिए, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, ओके। चलिए अब मैं नेगेटिव चार्ज का फील्ड फटाफट बना के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, राइट। अब आप कैसे बनाएंगे फील्ड लाइन इसका? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लीजिए और मूव करिए चारों तरफ। यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगा इस पे, और यही है फील्ड लाइन का डायरेक्शन इसका भाई, ये रहा, राइट। तो अब इसको ऐसे बना लीजिए, तो फील्ड लाइन नेगेटिव का पॉजिटिव के जैसे ही होता है लेकिन इनवर्ट्स होता है, ओके। तो इस तरह से आप जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस बना सकते हैं, राइट। अब यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं विजुअलाइजेशन के लिए, राइट। तो आप इसको लिख लीजिए, ऑलराइट। पहला ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग फ्रॉम और गोइंग इनटू द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, राइट। जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, इजंट इट। ये हो गया, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। सेकंड, पॉजिटिव चार्ज इज अ सोर्स ऑफ फील्ड लाइन, कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज एक टैप ऑफ वाटर की जैसे है, कि जैसे मैंने टैप खोल दिया खूब सारा पानी निकल आता है, उसी तरह से अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो खूब सारी लाइंस ऑटोमेटिकली उसमें से आने लगती है अंदर से, राइट। तो वो एक सोर्स कैसे बिहेव करता है। थर्ड,
negative charge is a sink of field line. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब वो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन निकलेंगी और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन उसके अंदर जाएंगी, राइट। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फोर्थ, जो फील्ड लाइन होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं फ्री स्पेस पे। मैंने कहने का मतलब है कि अगर ऐसे एक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये जाती रहेगी इन्फिनिटी तक, ओके। लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज आ गया यहां पे तो ये हो सकता है खत्म हो जाए, इसके बाद ये कहीं नहीं जा रही। बट अगर चार्ज नहीं है रास्ते में, कहीं फ्री स्पेस है, तो ये बस जाती रहेगी, कंटिन्यूअस लाइन होगी, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आएगा, ओके। ब्रेक अगर आएगा इसका मतलब है वहां पे कहीं पे चार्ज रखा हुआ है, ओके। तो फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन फ्री स्पेस, लिख लीजिए फिफ्थ पॉइंट, फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर मान लीजिए फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरह से, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई फील्ड लाइंस पॉइंट पी पे, ओके। अब अगर मैं यहां पे टेस्ट चार्ज रख दूं, पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब भाई अगर मैं यहां रख दूं टेस्ट चार्ज, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल हो गई फोर्स की, एक तो अलोंग दिस लाइन और दूसरा अलोंग दैट लाइन, तो इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकता है वो, ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिक्स्थ, फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्जेस कैन नॉट फॉर्म लूप्स, मतलब एक कंप्लीट ऐसा क्लोज लूप नहीं बना सकता है अगर वो फील्ड लाइन चार्ज की वजह से है, राइट। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। और ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है, इसका रीजन हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं यहां पर, ये इसलिए नहीं बनाता क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ओके। तो ये हो गए इसके छह पॉइंट, और भी एक दो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा यहां पे स्पेस बना लेता हूं लिखने के लिए, ओके। पॉइंट नंबर सेवन, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइन इज डेंसिटी ऑफ इट, मतलब कि फील्ड लाइंस अगर बहुत पास पास है एक दूसरे के, कहने का मतलब है अगर ये है समझ लीजिए एक फील्ड लाइन, ये दूसरी फील्ड लाइंस है, ये हो गई तीसरी फील्ड लाइन, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, यहां पे बहुत कम है, और फिर यहां पे मीडियम है, ओके। तो इस तरह से आप इसको पता कर सकते हैं डेंसिटी से कि स्ट्रेंथ कितनी है, ओके। चलिए अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानने जा रहे हैं। समझ लीजिए आपके पास एक चार्ज है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, और इसके पास से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ लीजिए चार लाइन निकली इसके इस तरह से, और आपने एक क्लोज लूप बना लिया इसके अराउंड इस तरह से, ये आपका एक क्लोज लूप है। तो कितनी फील्ड लाइन इसके आर पार निकलेंगी? चार निकलेंगी, जितनी निकली है यहां से, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कितनी फील्ड लाइन इस क्लोज लूप को कट अक्रॉस करेंगी, वो प्रोपोर्शनल है कितना चार्ज इसके अंदर है। ऑफ कोर्स जितनी भी निकलेंगी सब की सब बाहर आ जाएंगी, तो वो तो प्रोपोर्शनल है ही चार्ज के, इजंट इट। अब अगर मान लीजिए एक चार्ज यहां भी रखा हुआ है, ये समझ लीजिए क्यू वन है, राइट। इसकी भी फील्ड लाइन होंगी, इजंट इट। तो इसकी फील्ड लाइन समझ लीजिए कुछ इस प्रकार से निकलती है, ऐसे निकल गई फील्ड लाइन, एक निकली यहां से दूसरी चली जाएगी,
मतलब थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होंगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट। तो इस तरह से इसकी फील्ड लाइंस निकल गई। अब मेरे को ये बताइए कि नेट नेट कितना जो है इस चार्ज से फर्क पड़ रहा है कि कितनी फील्ड लाइंस इस क्लोज लूप से बाहर आ रही हैं। आप देखिएगा कि जो दो फील्ड लाइंस हैं ये दो इस चार्ज की वजह से हैं, अंदर आई और फिर बाहर चली गई। क्यों बाहर चली गई? ये तो भाई इंफिनिटी तक ट्रेवल करती रहेंगी तो लूप के तो बाहर इनको आना ही आना है, ठीक है। तो इससे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है कि कितना चार्ज बाहर है, बस इस बात से फर्क पड़ रहा है कि लूप के अंदर कितना चार्ज है। तो जो भी चार लाइंस आ रही हैं वो सिर्फ इसी की हैं, राइट, तो बाहर निकल रही हैं। दो लाइन जो आ रही हैं इसकी वजह से अंदर, अंदर आ तो रही हैं लेकिन दोनों को दोनों बाहर निकल जा रही हैं। तो इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर क्लोज लूप है उसमें जितनी फील्ड लाइन बाहर आएंगी प्रोपोर्शनल होंगी कितना चार्ज उस लूप के अंदर है, राइट। हम यहां पर एक और सिनेरियो से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये लूप है, ठीक है। इस लूप के अंदर एक चार्ज आपने क्यू रखा, ठीक है, यहां पे आपने माइनस टू क्यू रखा और यहां पर समझ लीजिए आपने क्यू बाई टू रख दिया, राइट। अब अगर इसके पास से चार लाइंस निकल रही हैं, इस तरह से चार फील्ड लाइंस निकली, राइट, तो माइनस टू क्यू से कितनी फील्ड लाइन आएंगी? माइनस टू क्यू अपने ऊपर आठ फील्ड लाइंस लेके आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल हैं किस चीज के, कितना बड़ा चार्ज है, और ये नेगेटिव है तो फील्ड लाइन जो है ये अट्रैक्ट करेगा, तो टोटल आठ फील्ड लाइन अपनी तरफ खींचेगा। तो मेरे पास यहां पे आठ फील्ड लाइन माइनस टू क्यू की वजह से हो गई और क्यू जो है चार फील्ड लाइन बाहर फेंकेगा। और क्यू बाई टू कितनी फील्ड लाइन बाहर फेंकेगा? ये सिर्फ दो फेंकेगा, एक और दो। अब आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है इसकी चार है, इसकी आठ है, लेकिन ये माइनस एट है क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहा है। तो बाहर की तरफ नेट नेट कितना गया? चार प्लस दो छह माइनस आठ, तो सिर्फ कितना गया? माइनस टू बाहर गया, मतलब दो अंदर आया। तो किस चीज के प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल है माइनस क्यू बाई टू के, राइट। तो क्यू बाई टू दो दे रहा है, माइनस क्यू बाई टू दो अंदर लेगा, तो माइनस क्यू बाई टू कैसे आएगा? माइनस टू क्यू प्लस क्यू इज माइनस क्यू एंड माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू इज माइनस क्यू बाई टू, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहां पर एक एस्टिमेशन लगा सकता हूं कि क्लोज लूप के अंदर कितना नेट चार्ज है, ठीक है। इस चीज को हम फॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे जब हम गॉस लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बस हम इसको एक क्वालिटेटिवली हम लोग लिख लेते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड लूप इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनसाइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत ही फॉर्मल तरीके से फील्ड लाइन की स्टडी कर ली है और ये फील्ड लाइन हमने सिर्फ चार्ज के बारे में एक पॉइंट चार्ज लेके उसकी स्टडी की है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा सिनेरियो को और यहां पे इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट।